हुआ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर एंड्रॉयड की दो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं जो बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड यूज़र हैं जो ये दो प्रॉब्लम को लेकर के अभी तक परेशान रहते हैं। पहला है कि इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाना, दूसरा है कि मोबाइल हैंग करना और स्लो हो जाना। ये दोनों प्रॉब्लम को लेकर के एंड्रॉयड यूज़र हैं जो अभी तक परेशान रहते हैं। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा और यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा, मात्र एक सेटिंग बताने वाला हूं जिससे कि आपका दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग की मदद से। क्योंकि दोस्तों ये सेटिंग है ना सभी एंड्रॉयड फोन के अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे आप एक साल से फोन को यूज कर रहे हैं या दो साल के फोन को यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी फोन के अंदर यह सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है जो आप लोग को नहीं पता होता है, जिसके कारण आप ये दो प्रॉब्लम को लेकर के अभी तक परेशान रहते हैं। अगर दोस्तों परेशानी से हटना चाहते हैं, अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज से मरते दम तक फुल नहीं होने देना है और ना आपके मोबाइल हैंग करने नहीं देना है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर इसी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं वो सेटिंग के बारे में कि आपके फोन के अंदर कहां पे मिलेगा। तो मैं कर लेता हूं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो घटोगा यूट्यूब चैनल। सेटिंग जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक आपको जरूर करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कमेंट लिखना होगा, कमेंट आपको सभी को लिखना होगा जो भी वीडियो देखेंगे, आपको ये कमेंट लिखना होगा सॉल्व हैंगिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा। अगर आप ये दोनों काम कर देते हैं तो आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं करेगा ना स्टोरेज फुल होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं वो सेटिंग आपके मोबाइल के अंदर कहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद यहां पे आपको मिल जाएगा डिवाइस मेंटेनेंस, तो यहां पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं कि यहां पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग की मदद से आप दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे स्टोरेज में जाएंगे तो यहां पे आपको देख रहे हैं थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना होगा, स्टोरेज सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों ऊपर में देख डिवाइस मेमोरी देख रहे हैं, तो ये फोन स्टोरेज का यहां पे लिखा हुआ सेटिंग, तो इसको क्लिक करने के बाद यहां पे आपको लोडिंग होगा, तो लोडिंग होने दीजिएगा। लोडिंग होने के बाद दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कि सारे के सारे यहां पे ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई भी सेटिंग को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे ये सेटिंग आपको देखने की डेटा यहां पे देख रहे हैं कैश डेटा, तो यहां पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कैश डेटा को क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं कि यहां पे मेमोरी देख रहे हैं, यहां पे 800 MB यहां पे ले चुका। तो किसी फोन के अंदर या आपके फोन के अंदर 5GB या 5GB 6GB 7GB आपको लेता होगा, उसके कारण आपका मोबाइल काफी ज्यादा हैंग कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, कैश डेटा में आपको आना होगा और यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितनी भी दो तीन बार आपको करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग होगा, तो यहाँ पे देख रहे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका। तो इसी तरह से लोडिंग होने दीजिएगा और लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पे 0-0 बताने लगेगा कि कैश डेटा यहाँ पे 0। तो इसी सेटिंग की मदद से आप दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सेटिंग के बारे में शायद कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा, तो इसी सेटिंग के बारे में आप सभी को बताना था, बहुत जरूरी था, तो जाके आपके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बस यही था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और एक साइड वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।